हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यश की बगिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, स्नेह बहुत मिल रहा है और आपके शानदार कमेंट से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, फरवरी मंथ में हमें अपने सभी प्लांट्स में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र खाद ज़रूर देना चाहिए। मैं कौन सी खाद अपने प्लांट्स में देती हूँ वही मैं आज आपसे शेयर करूँगी। फरवरी मंथ में कुछ प्लांट डोरमेंसी में गए होते हैं और उनमें नई ग्रोथ का हम इंतज़ार करते हैं, तो कुछ प्लांट नई ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनमें ग्रीनरी शुरू हो गई है। हमारे सभी प्लांट्स अच्छी ग्रीनरी हो, अच्छी फ्लावरिंग हो, इसके लिए मैं दो प्रकार की खली का प्रयोग करती हूँ। सबसे पहले हम ये करते हैं नीम की खली। ये बहुत ही आसानी से नर्सरी शॉप में अवेलेबल हो जाती है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसमें पोषक तत्व तो हमारे प्लांट्स को मिलते ही हैं। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड कीटनाशक का काम भी करती है और पूरे तरीके से ऑर्गेनिक होता है। इसको हम लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, नहीं तो हम इसे गुड़ाई करके, थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करके हम थोड़ी सी इसको हम अपने प्लांट्स में थोड़ी सी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में थोड़ी सी हवा लग जाती है, रूट्स को हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग इसे एक चम्मच या एक मुट्ठी अपने मिट्टी में इसको मिला दीजिए और इसके बाद आप पानी दे सकते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगेगा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी नीम खली से बढ़ती है। इसके अलावा हम ये सरसों की खली है, ये भी नर्सरी शॉप में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है, जो हमारे प्लांट के पूरी तरीके से विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, पर ड्राई फॉर्म इतना नहीं बेनिफिट होता है, प्लांट को इतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि आप इसे लिक्विड फॉर्म में बना के दीजिए। लिक्विड फॉर्म के लिए आप इसे दो से तीन मुट्ठी आप इसे 5 लीटर पानी में भिगो दीजिए और 2 से 3 दिन तक आप इसे पानी में अगर रखेंगे तो ये पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा सा घोल सॉल्यूशन इसका बन जाता है। और इसको अब आप इसको डाइल्यूट करके देना है, सादे पानी में इसको मिलाना है और इसके लिए रेशियो आप, जैसे कि ये 5 लीटर सादा पानी है, इसमें आप 1 लीटर ये पानी मिलाएंगे, 1 लीटर इस प्रकार से इसके पानी को मिला दीजिए, सॉल्यूशन मिला दीजिए और एक ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र अब तैयार हो गया है। और अपने प्लांट के अकॉर्डिंग आप इसको सभी प्लांट्स में आप दे सकते हैं। इस प्रकार से सरसों की खली और नीम की खली का सॉल्यूशन आप फर्टिलाइज़र इसका तैयार करके अपने प्लांट्स को देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बेहद शानदार होगी और अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। हमारे प्लांट्स नई ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।